राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने की मांग सचिन वाजे से की है। इस बात का खुलासा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इन्होंने किया है, जिससे राजनीतिक जगत में खलबली मची हुई है। इस घटना के बारे में हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता गिरीश व्यास इनसे फोनों पर बातचीत की है, आइए देखते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह से राज्य के एक गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने 100 करोड़ की, हर माह में 100 करोड़ मिलना चाहिए, ऐसा एक जो पत्र है वो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इन्होंने ये बताया है, जिसके चलते पूरे राजनीति में खलबली मची हुई है। इस समय में नागपुर से हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरीश जी व्यास है, आइए उनके और रुक करते उनसे जानना चाहेंगे। गिरीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? गिरीश जी, ये बताए कि जिस तरह से ये जो आज आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते काफी बवंडर मचा हुआ, क्या कहना चाहोगे? क्या सही मायने में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह आना चाहिए ऐसा सचिन वाजे जी से कहा था, इस बात का खुलासा पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह इन्होंने एक लेटर के जरिए किया है, इसमें कितना तथ्य है, क्या कहना चाहोगे? एक अधिकारी का इस प्रकार से पत्र आना, एक IPS अधिकारी का, वरिष्ठतम IPS अधिकारी का ऐसा पत्र आना, इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि ये सरकार विश्वास के काबिल नहीं रही। इस सरकार ने वाजे को जिस उद्देश्य के साथ बैठाया उस जगह पर, जिसके बारे में माननीय देवेंद्र जी फडणवीस विरोधी पक्ष नेता ने जाहिर रूप से इस प्रकार की उल्लेख इसका किया है कि इसको वसूली के नाते वहां बैठाया है, और इस संदर्भ में उन्होंने सदन में भी बार बार विषय खींचा था पर उसको दबाने की कोशिश की गई, उसको झुठलाने की कोशिश की गई, पर जो सत्य था वो सत्य बाहर आया है। अब तो पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी कहता है, पुलिस कमिश्नर कहता है कि इस प्रकार की घटना हुई है, इसका क्या अर्थ समझे? ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, उद्धव जी ठाकरे को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, संजय राउत जी जो इस पार्टी के शिवसेना के सरकार के प्रमुख उद्धव जी के तरफ से बोलते हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने तुरंत अपनी बोलती बंद करनी चाहिए। वो जिस प्रकार से भाषा करते हैं, जिस प्रकार से किसी के पीछे खड़े रहने का प्रयास करते हैं, अब वो भी क्वारंटाइन और कोरोना में चले जाएंगे। हमारे छोटे आदित्य जी ठाकरे ये अभी कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा करके क्वारंटाइन हो रहे हैं। अब ये सरकार क्वारंटाइन नहीं तो सरकार अब डायलिसिस पे आ गई है और ये वेंटिलेटर पर आ गई है, और इस सरकार पर कोई जनता भरोसा नहीं कर सकती। इस प्रकार का ये आरोप परमवीर सिंह जी ने यहाँ पर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ऐसे हमारी इसमें मांग है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश व्यास जी। तो आप थे हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता गिरीश जी व्यास, जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि किस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना पद छोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ में ये जो पार्टी है पूरी तरह से भ्रष्टाचार पार्टी है ऐसा करार उन्होंने दिया है, और आगे इसकी जांच भी होना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन दर्शकों, आगे ये देखना है कि इस घटना में और क्या अगला मोड़ आएगा, जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी, पल पल की जानकारी हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी।